बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली फन एंड लाइफ। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में रेसिपी बन रही है मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही लजीज होती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं फिर किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मुहर्रम और हराम के सिलसिले में पहली रेसिपी है जो आपसे शेयर की जा रही है, जो कि मुहर्रम में नज़र न्याज के लिए बहुत ज़्यादा बनती है। इसके बाद भी जो रेसिपी आएँगी वो भी बहुत बनती हैं। तो चले चलते हैं किचन में और रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी, तो किचन में आ गए हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए राइस चाहिए। मैंने ये 1.25 गिलास राइस के लिए हैं और इसको मैंने भगो दिया आधा घंटा पहले। और ये मूंगी की छिलके वाली दाल है जो मैंने 1.5 गिलास लिया और इसको भी मैंने भगो दिया था आधा घंटा पहले। और ये 2 मीडियम प्याज है, इसको रफली चॉप कर लें। और 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसमें जो मसाला सिर्फ जस्ट जाएगा, ये साबित गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, जीरा और ये शामिल है, और जस्ट नमक, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। इधर मैंने ले लिया देसी घी। खिचड़ी का जो मज़ा है, जो फ्लेवर इसका आएगा वो देसी घी से आएगा। आप कोई सा भी घी ऑयल डाल सकते हैं इसमें। चले हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं, प्याज ब्राउन करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो प्याज हमने चढ़ा दिए हैं। तो अब ये प्याज थोड़ा से ब्राउन होने लगेंगे तो साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा सुनहरी होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है तो इसके साथ ही हम ये जो अदरक थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि ये प्याज ब्राउन करने ज़रूरी हैं, लाइट ब्राउन, तो इसी से खिचड़ी का कलर अच्छा आएगा। तो ये ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें ये जो हमारे मसाले थे, गरम मसाला, साबित गरम मसाला और नमक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने इसमें 3 गिलास तकरीबन ऐड करने हैं। और पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें सबसे पहले अपनी जो दाल है मूंगी की छिलके वाली, वो इसमें ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर साथ ही हम राइस ऐड कर देंगे इसमें। चलिए इसमें उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पानी में बॉयल आ चुका है हमारा, तो अब इसमें ये जो भिगी हुई दाल थी हमारी, ये इसमें ऐड करेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। और फिर साथ ही हम इसके जो हमारे भिगे हुए राइस हैं वो भी ऐड कर देंगे और इनको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी बॉयल हो रही है पानी के बीच में। अभी इसके साथ ही हम इसमें ये जो हमारे भिगे हुए राइस से, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम पकने देंगे जब तक हमारा पानी नहीं खुश्क हो जाता है। पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको हल्की आंच पे दम लगा देंगे और राइस हमारे डन हो जाएंगे। चलें ये चावल इसमें बॉयल हो रहे हैं, फिर मैं पानी खुश्क हो जाता है तो इसको दम लगा दूंगा। हाँ जी, पानी हमारा ड्राई हो चुका है चावलों का, बस अब हम इसको दम पे लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए और राइस हमारे डन हो जाएंगे।
चले मैं इसको दम पे लगा दूं और 12 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी 12 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाह रखना है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त हमारी खिचड़ी रेडी होगी और फ्लेम करेंगे ऑफ। तो चले मैं अब आपको इसकी सर्विंग करके दिखाता हूँ। ये देखें जी राइस हमारे रेडी हैं, मैंने प्लेट में सर्विंग करनी है। अब इस मौके पे ये देखें, ये है देसी घी, ये देखें ये ऑप्शनल है, इसके ऊपर आप पसंद करते हैं तो ये डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और बड़ी खुशबू आएगी राइस में, ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद करता हूँ मुहर्रम के हवाले से आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुहर्रम में ये काफ़ी बनती है तो लोग इसकी नज़र नियाज करते हैं खिचड़ी की। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।